सो हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का टेक इनसेन में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रेडमी नोट 7S जिसके साथ हुआ था एक इंसिडेंट, उसमें लगी थी आग। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि रेडमी के फ़ोन के ही साथ हो, ऐसा कोई भी फ़ोन के साथ हो सकता है, कभी टेक्निकी प्रॉब्लम की वजह से या फिर यूज़र की कुछ नादानियों की वजह से। तो मिस्टेक्स क्या होती है और किस तरीके से हम अपने फ़ोन को कौन सी बातों को ख्याल में रख के सिक्योर कर सकते हो, तो ये सारी बातें आज के सेगमेंट में कवर की गई है। तो जानना चाहते हो तो जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को एंड तक। आप देख रहे हैं टेक इनसेन। यूज ओरिजिनल चार्जर। सो ड्यूड, कई बार क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन का चार्जर ख़राब हो गया या फिर आप कहीं गए हो, ऐसे में आप क्या करते हैं कि कोई भी चार्जर पे अपने फ़ोन को चार्जिंग करना शुरू कर देते हो। ऐसे में वो आप वो नहीं देखते कि वो चार्जर कौन से ब्रांड का है, वो चार्जर असली है या फिर कोई लोकल से नकली ब्रांड का है। ऐसे में अगर वो चार्जर आपकी बैटरी को डैमेज कर सकता है और इसके बाद क्या होता है कि आपकी बैटरी की जो साइकिल है वो पूरी तरीके से बिगड़ सकती है, वो आपको अच्छा बैटरी बैकअप भी नहीं देगा। और अगर आपकी बैटरी ओवर हीटेड होना शुरू कर दिया तो ऐसे में जो है ऐसा ब्लास्ट होने जैसा इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है। ओरिजिनल बैटरी रिप्लेसमेंट। सो ड्यूड, कई बार क्या होता है आपके फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई, ऐसे में जो आप उसके बदले में कोई भी बैटरी जो है सस्ती बैटरी को रिप्लेस करवा लेते हो। यहाँ पे सस्ती और महंगी की बात नहीं, बात है ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, क्योंकि कई बार जो है लोकल ब्रांड की बैटरी अगर आप लगा लेते हो तो ऐसे में आपको एक तो पहले तो अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा और उसके बाद ऐसे चांसेस है कि वो बैटरी आपको अच्छी सर्विस ना देते हुए उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए। डोंट यूज़ योर फ़ोन वाइल चार्जिंग। सो ड्यूड, यहाँ पे जो है सबसे बड़ी मतलब अगर कहा जाए तो गलती यही होती है कि आप चार्ज करते वक्त अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, बिकॉज को चार्ज होते वक्त मोबाइल जो ऑलरेडी हीटेड होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में अगर आप जो उसका यूज़ करते हो या फिर आप जो गेम खेलते हो तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन और ज़्यादा ओवर हीटेड होता है, और ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका फ़ोन फूट सकता है, और ऐसे जो केसेस है वो कई आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ड्यूड, ये जो गलती है लॉट्स ऑफ पीपल करते ही है और इस गलती को आपको अवॉइड करना ही है, बिकॉज कि क्या होता है कई बार आप रात में हर कोई मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता है, ऐसे में सोते वक्त जो है अपने फ़ोन को पास में रखता है, कोई तकिए के नीचे रख देता है, तो इससे क्या होता है कि आपको दो प्रॉब्लम या दो बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले एक तो जो नेटवर्क की रेंज निकलती है वो आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन जो है तकिए के नीचे पूरी तरीके से दब सा जाता है, और ऐसे में जो है अगर वो गर्म हो जाता है तो फिर तो सस्ता वाला पावर बैंक। सो ड्यूड, बहुत से लोग पावर बैंक खरीदते हैं लेकिन वो शॉप या फिर ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं, चलते फिरते किसी से भी। यहाँ पे मुराद मेरी है कि आपको कई लोग मिल जाएंगे जो कि रेलवे स्टेशन पे या रोड पे ऐसे चाइना क्वालिटी के डुप्लीकेट ब्रांड के जो है पावर बैंक बेचते हैं, और बहुत से लोग उनसे वो पावर बैंक खरीदते, जिससे क्या होता है कि वो आपके फ़ोन के लिए सही तरीके से सूटेबल नहीं होते और वो आपके फ़ोन की बैटरी को या आपके फ़ोन को पूरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका फ़ोन उस पावर बैंक के साथ ब्लास्ट भी हो सकता है। सो ड्यूड, अगर ये सारे मिस्टेक्स आप करते हो तो यहाँ पे आपको ये सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करनी चाहिए, और ये सारे पॉइंट को अगर आप ख्याल में रख के आपके फ़ोन को यूज़ करते हो, चार्ज करते हो, ये सारी बातों को अप्लाई करते हो, तो आई होप आपके साथ या किसी के भी साथ ऐसा इंसिडेंट ना होगा, और खुदा ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप टेक इंसेन को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।